हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रिमोट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण कुमार आज आप लोगों को कराने वाला हूं सिंथेसिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस हैं, इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लासेस हैं, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9th एंड 10th की, वो आपकी इस चैनल पर रिमोट क्लासेस नाम का ये जो चैनल है जो आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है, इस पर हमने स्टार्ट कर दी है, जहाँ पर आपकी पूरी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इंग्लिश सब्जेक्ट की हम कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस की आज इंट्रोडक्शन क्लास है और आज की क्लास में हम सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है और किस तरीके से किन किन चीजों की सहायता हमें पड़ेगी जो हमें समझनी है और जो हमें पढ़नी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़े बगैर हम सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम आज की क्लास में सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास नंबर 1 है सिंथेसिस की। कम से कम 5 या 6 क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ जिसमें कंप्लीट सिंथेसिस आपका हो जाएगा। इन 5 या 6 क्लासेस में आपकी जो साइड में जो चीजें होती हैं, जो सिंथेसिस या अन्य किसी चीज को समझने के लिए आवश्यक होती हैं, वो भी इसी क्लास में यानी कि 6 और 7 क्लासेस के बीच में हम ऐड करेंगे। तो आप लोगों को कंटिन्यूअस चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कंटिन्यूअस नहीं देखेंगे तो कुछ चीजें आपकी मिस हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब केवल हम इतनी की बात कर रहे हैं, सिंथेसिस का मतलब होता है टू ऐड और टू ज्वाइन समथिंग, यानी किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब क्या है, जोड़ना। और जब बात आ जाए किसकी, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की, तो इसका मतलब है सेंटेंसेस को जोड़ना यानी कि वाक्यों को जोड़ना। तो इसको एक फॉर्मल वे में, ग्रामेटिकल वे में हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विदाउट एल्टरिंग द मीनिंग। कहने का मतलब हमारा ये है कि सिंथेसिस का जो मतलब है वो ये है कि सिंथेसिस के अंतर्गत हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं और एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो यही होता है हमारा सिंथेसिस। लेकिन इनको बनाएंगे कैसे, सिंथेसिस में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीजें हमें और पढ़नी पड़ेंगी जिससे सिंथेसिस हमारा बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाए, तो वो सारी चीजें हम कंटिन्यूसली अब क्लासेज में आगे कराने वाले हैं। अब आप लोग आगे देखते रहिएगा। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस वह प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी, हमें सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। सपोज दैट के अगर किसी ने या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बोल दिया जाए कि दिए हुए 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो अगर आप लोगों को यही पता नहीं होगा कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है तो आप लोग कैसे बना पाएंगे कि हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अगर आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश की और बाई मिस्टेक वो कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपके नंबर कट जाएंगे, या बाई मिस्टेक वो सिंपल सेंटेंस बन गया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए और एकदम बढ़िया क्लैरिटी के साथ में आंसर देने के लिए आपको चीजों को नंबर बाय नंबर सारी चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, ओके। तो जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, ये एग्जांपल है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि सिंथेसिस में किस तरीके से हम सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें पहले हमारे पास सेपरेट सेंटेंसेज हैं। एक सेंटेंस है आई सॉ राम और दूसरा सेंटेंस है ही वाज फ्लाइंग अ काइट, मैंने राम को देखा वह पतंग उड़ा रहा था। ये 2 सिंपल सेंटेंस हैं।
इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है, हमें एक नया सेंटेंस बनाना है। यहां पर हमने बना दिया आई सॉ राम, और राम क्या कर रहा था, फ्लाइंग अ काइट। आई सॉ राम फ्लाइंग अ काइट, ये हमारा कंबाइंड हो गया। अब हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसमें हमने किन किन चीजों की सहायता ली, किन किन चीजों का उपयोग किया, किस रूल का, किस नियम का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये सारी चीजें हम आगे की क्लास में या आगे क्लास में सीखने वाले हैं। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, सेपरेट है सेंटेंस आपका, माई अंकल हैज फोर डॉटर्स, मेरे अंकल की चार बेटियां हैं। He wants to marry them, वह उनकी शादी करना चाहते हैं। अब ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, इन दो सिंपल सेंटेंस को हमें जोड़ना है और एक नया सिंपल सेंटेंस या एक नया कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर किसी तरीके की कोई बॉन्डेशन नहीं है, अभी सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको जोड़कर देख रहे हैं कि कैसे इसको जोड़कर एक नया सेंटेंस बनेगा। तो हमने इसे ऐड किया है, माई अंकल हैज फोर डॉटर्स, और इनफाइनेटिव विद टू का इस्तेमाल करके, कि अंकल को करना क्या था, अंकल को करना था टू मैरी देम, उनकी शादी करनी थी, तो हमने क्या कर दिया डायरेक्टली टू मैरी। माई अंकल हैज फोर डॉटर्स टू मैरी, मेरी अंकल की चार बेटियां हैं शादी करने के लिए, यानी उनकी शादियां उनको करने से। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसके बाद में आप और स्पष्ट तौर पर इसको समझ पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, पहले सेपरेट सेंटेंस है हमारे पास में, माई फादर वेंट टू ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस गए, मेरे पिताजी ऑफिस गए, इट वॉज संडे। अब हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है, कैसे करेंगे, माई फादर वेंट टू ऑफिस, और ऑफिस गए तो दिन कौन सा था, संडे था, तो हम क्या कर देंगे, माई फादर वेंट टू ऑफिस, और वो दिन कौन सा था, संडे का, तो हमने क्या कर दिया, ऑन संडे, मेरे पिताजी संडे के दिन ऑफिस गए। तो हमने इस तरीके से देखा कि हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना दिया। अब इन नए सेंटेंस में हम ये कैसे पहचान करेंगे कि हमने जो नया सेंटेंस बनाया है वो सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किस चीज की, हमें सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वेज ऑफ सिंथेसिस। वेज ऑफ सिंथेसिस मैंने यहाँ इसलिए लिखा है जिसको, जिससे आपको ये पता पड़े कि हम सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं। ओके, सिंथेसिस करने का जो तरीका है वो क्या है, तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, जिससे जो बच्चे इंग्लिश समझ सकते हैं वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, जो इंग्लिश नहीं समझ सकते वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो By combining two or more simple sentences, three types of sentences are made. यानी कि दो या दो से अधिक simple sentence को जोड़कर तीन तरीके के sentence हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं synthesis. ठीक है, synthesis के अंतर्गत हम तीन प्रकार के sentence बनाते हैं, कौन कौन से होते हैं, simple sentence होता है, okay? दूसरा compound sentence होता है, और तीसरा complex sentence होता है। ये तीन तरीके के सेंटेंस हम सिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को ही जोड़ा जाता है। हमारे पास एग्जामिनेशन में दो या तीन सिंपल सेंटेंस दिए गए होंगे और सामने लिखा होगा कि इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, या लिखा होगा कि इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, या लिखा होगा कि इनको सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस ही बनाना है। तो कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। पहले तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस बेसिकली स्टेटमेंट होते हैं, इनकी जो खासियत होती है, इनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है, इनकी जो विशेषता होती है वो ये कि इनमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, मेन क्लॉज बोलेंगे, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसके साथ में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इट हैज अ सब्जेक्ट, इसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और
एक ही प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर हमारी वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं, एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और यही इतनी ही चीज, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं, किसी और चीज की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, यही हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। तो हमेशा एक चीज याद रखनी है कि केवल सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जिस सेंटेंस में होगा वह हमारा सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सेंटेंस को हमें जोड़ना है, फिर तो उसको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसकी एक और खास बात यह है, इट डजंट हैव एनी डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें बाकी के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, केवल एक ही क्लॉज होता है, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, और एडिशनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इसकी कोई विशेष अलग तरीके की स्ट्रक्चर नहीं होती, सिंपल होता है, इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, इसका मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इट इज अ सेंटेंस विद अ सिंगल आइडिया और स्टेटमेंट, ये केवल सिंगल आइडिया होता है, एक सिंगल स्टेटमेंट यानी कि कथन होता है, बात होती है और कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, जॉन प्लेज फुटबॉल, जॉन प्लेज फुटबॉल, ये एक सिंपल सेंटेंस है, कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, हमने बता दिया कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाती है वहां से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से देख लीजिए, प्लेज ये क्या है, वर्ब है, प्लेज फुटबॉल, इतना क्या हो गया, इतना हो गया आपका प्रेडिकेट, और ये जो रह गया जॉन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सब्जेक्ट क्या है जॉन, प्रेडिकेट क्या है प्लेज फुटबॉल। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है, द कैट स्लीप्स ऑन द मैट, तो द कैट क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और स्लीप से लेकर ऑन द मैट तक ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से ये भी पता पड़ गया हमको कि ये वाला जो सेंटेंस है ये भी कैसा है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसमें भी कुछ और चीजें नहीं है। एक और सेंटेंस है हमारे पास, शी, और यहां पर एंड लगाया गया है और दिया है आई आर गोइंग टू द पार्क। अब यहां पर एक चीज देखिए आप लोग, हमने पीछे जो अभी सेंटेंस देखे हैं उनमें एक सब्जेक्ट था और एक ही वर्ब थी, यहां पर क्या है इस सेंटेंस में देखिए, इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट सी है और एक सब्जेक्ट आई है। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें तो केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, यहां पर आपके दो सब्जेक्ट हो गए जिनको एंड से जोड़ा गया है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, सी एंड आई आर, और ये प्रेडिकेट हो गया आर गोइंग टू पार्क। एक सेकेंड, यहां पर एक चीज समझिएगा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, मेरी बात को ध्यान से एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि एंड जो कंजक्शन है, एंड कंजक्शन जब दो वर्ब को जोड़ दे, एंड कंजक्शन जब दो वर्ब को जोड़ता है तब वह कंपाउंड सेंटेंस बना देता है, ठीक है ना, लेकिन जब ये दो सब्जेक्ट को जोड़ दे, एंड से जाए, एक सब्जेक्ट जुड़ जाए या दो सब्जेक्ट जुड़ जाए या तीन सब्जेक्ट जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वे प्लुरल नंबर में काउंट होते हैं, बशर्ते वर्ब एक ही होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, इसको समझ लीजिएगा, सी एंड आई ये जो दो हैं, ये सी एंड आई को जोड़कर एक ही सब्जेक्ट बनना है, कैसा बनना है, एक ही सब्जेक्ट बनना, यानी कि सी एंड आई बहुवचन सब्जेक्ट बन गए, जिसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जुड़े हुए सब्जेक्ट, लेकिन इसका प्रेडिकेट जो है वो एक ही है, इसलिए यह सेंटेंस भी कैसा है, सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा, यह सेंटेंस भी कैसा है, यह सेंटेंस भी सिंपल है,
एंड लगा हुआ है, इससे कंफ्यूजन ना हो, ये सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ पर जुड़ गए हैं, दो सब्जेक्ट रखने हैं इसलिए एंड लगाया है। तीन रखने होते तो ऐसे लगा देते, जैसे मान लो राम श्याम एंड मोहन, ऐसे कर देते मोहन, ठीक है ना, और यही लगा देते आर गोइंग टू मार्केट। अगर इस तरीके से कर देते तब भी हमारा सिंपल सेंटेंस ही रहता है। इसमें सब्जेक्ट एक दो तीन सब्जेक्ट तो इतने हो जाते, लेकिन इसका जो प्रेडिकेट है वो सिंगल एक ही रहता, इसलिए क्या रहता है, ये एक सिंपल सेंटेंस ही बना रहता। तो आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही प्रेडिकेट होता है, एंड से जुड़कर सब्जेक्ट तो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, बट प्रेडिकेट एक ही रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेडिकेट में दो वर्ब एंड से जुड़कर आ जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस और समझ लीजिए, जैसे राम स्लीप्स ऑन द बेड एंड वॉक ऑन द स्ट्रीट, ठीक। यहां पर इस कंडीशन पर भी सब्जेक्ट क्या है, केवल एक ही है, तो ये भी अभी क्या रहेगा, ये भी सिंपल सेंटेंस ही रहेगा, ओके। राम स्लीप ऑन द बेड एंड वॉक ऑन द स्ट्रीट, दोनों चीजें राम ही कर रहा है। अगर यहां पर हम ये लगा देते एंड ही वॉक ऑन द स्ट्रीट, तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाते, ठीक है ना, ही यहां पर सब्जेक्ट हो जाता और राम यहां पर सब्जेक्ट है, तो ये दो सब्जेक्ट हो जाते और दो वर्ब हो जाती, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, ओके, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे, हमने समझ लिया सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वर्ब हो गए, यानी कि दो क्लॉज हो गए, तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन के दिए हुए सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, दिए हुए दो सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, ए कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी दो क्लॉज हो सकते हैं या दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। अब दो क्लॉज होते कौन से हैं, दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ऐसे ही एक कंपाउंड सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, फिर उसमें एक कंजक्शन लगा दिया जाता है, फिर से एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। संयुक्त वाक्य वह वाक्य, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस की बात हो रही है, वह वाक्य होता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, फ्री क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक संयोजक अर्धविराम या संयोजक क्रिया विशेषण द्वारा एक साथ जुड़ जाते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो मैंने आपको कल बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो अब मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिंथेसिस पढ़ने के लिए और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो अब जब आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखना है, तो फिर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सीखना पड़ेगा। इसको हम सेमी कॉलन की मदद से भी जोड़ देते हैं और कंजक्टिव एडवर्ब की मदद से भी जोड़ देते हैं। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा कंपाउंड बनाने के लिए, कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इसकी करेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, क्या होता है, विशेषता, कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता क्या है। तो इसकी पहली विशेषता यह है टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जुड़े हो सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से। दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके दोनों सिंपल सेंटेंस, इसके दोनों क्लॉज
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जुड़े होते हैं, तब जाकर ये एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, फैन वॉइस। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, फैन वॉइस। ये कुछ इंपोर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ज्यादातर यही कंजंक्शन यूज किए जाते हैं। फैन वॉइस में एफ फोर फॉर, ठीक है ना, ए फोर एंड, एन फोर नॉर, बी फोर बट, और फोर और येट और शो, ये पूरा बन गया फैन वॉइस। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लीजिए, या फिर इसमें एक सेमी कॉलन हो सकता है। सेमी कॉलन कौन सा साइन होता है? ये होता है इस तरीके से, ये क्या है, ये सेमी कॉलन है। तो एक सेमी कॉलन और कंजक्टिव एडवर्ब, इनकी मदद से भी जोड़े जा सकते हैं, ये जो क्लॉज बनते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। कंजक्टिव वर्ब में क्या क्या होता है, हाउ एवर आ जाता है, देयर फोर आ जाता है, मोर एवर आ जाता है, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली आ जाता है। ये कुछ कंजक्टिव एडवर्ब हैं जिनको यूज करते हैं हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। आपको चीज हमेशा ये याद रखनी है कि जब दो जैसे राम इज अ गुड बॉय, ध्यान से देखिएगा, राम इज अ गुड बॉय, और हमने क्या लगा दिया, ये सेमी कॉलन लगा दिया, ही इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, गुड स्पोर्ट्स मैन। तो हमने यहां पर एंड वगैरह नहीं लगाया, कोई कंजक्शन यूज नहीं किया इनमें से, फॉर एंड नॉर बट और येट शो, इनमें से कोई कंजक्शन यूज नहीं किया, हमने सिर्फ ये वाला सेमी कॉलन इसमें लगा दिया, तो भी ये क्या बन गया, तो भी ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। के अगर ऐसा आ जाए तब भी समझ लीजिएगा, तब भी कंपाउंड सेंटेंस बन गया। हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, कॉन्सिक्वेंटली, ये अगर कैसे यूज किए जाए सेंटेंस में, जैसे समझिए, ध्यान से समझ लेना, हमने ये कंजक्शन हटा दिया यहां से, ठीक है, हमने कंजक्शन हटा दिया और इसकी जगह पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, चलिए इसको लगा रहने दो, दोबारा से लिख देता हूं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय कॉमा, देयरफॉर ऑल पर्सन लव्स हिम, ऑल पर्सन लव हिम, देखिए अभी यहां पर हमने क्या किया, कॉमा लगाकर देयरफॉर लगा दिया है, तो ये इस कंडीशन पे क्या है, अभी ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, जहां पर ये जो देयर फोर है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर हमने ये जो कॉमा लगाया है, इस कॉमा की जगह पर हम क्या लगा दें, एक बिंदी ऊपर लगा दें, ऐसा वाला साइन लगा दें, सेमी कॉलन लगा दें, और देयर फोर के बाद में एक कॉमा लगा दें, ठीक है, देयर फोर के बाद में एक कॉमा ये लगा दें, तो इस कंडीशन पे ऐसे इसको यूज करेंगे, तब ये क्या करेगा, कंजक्टिव एडवर्ब का काम करेगा, और अभी ये क्या बन गया, इस कंडीशन पर ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो हमको ये भी पता लगाना है कि किस कंडीशन पर ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये कुछ तीन इसकी करेक्टरिस्टिक थी, तीन इसकी विशेषताएं थी, वो आप लोग याद रखिएगा, और वीडियो को आप लोग बार बार रिमाइंड करके देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में वेज टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहला जो तरीका है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लगाया जाता है, जिसे शॉर्ट में ट्रिक के लिए फैन वॉइस हमने लिखा है। फैन वॉइस में फॉर आता है, एंड, नॉर, बट और येट, शो, ये सभी क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर ये कहीं पर लगे होते हैं तो वह सेंटेंस आपका कैसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। इनकी मदद से हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ देते हैं, जैसे आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच, कॉमा लगाया और हमने लगा दिया बट, और इट स्टार्ट रेनिंग, ये दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया।
यूजिंग अ सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब ये वाला चिन्ह ऐसे करके, ऐसे ये वाला चिन्ह जो होता है इसका यूज करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे शी स्टडी ऑल नाइट, और हमने बीच में क्या लगा दिया, ये सेमीकोलन, सेमीकोलन लगा हुआ है, शी पास द एग्जाम इजीली। तो एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, दोनों ही क्लॉज कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, मतलब सिंपल सेंटेंस है। तो ये भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो सेमीकोलन की मदद से भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। इसके बाद में यूज ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब, जो मैंने अभी आपको बताया था, कंजक्टिव एडवर्ब की मदद से भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, कंजक्टिव एडवर्ब को यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि हाउएवर एक कंजक्टिव एडवर्ब है, देयरफॉर कंजक्टिव एडवर्ब है, अदरवाइज कॉन्स्टेंटली, ये कुछ इंपोर्टेंट कंजक्टिव एडवर्ब हैं। अगर इनको सेमीकोलन के साथ लगाया, जैसे सेमीकोलन और हाउएवर, हाउ एवर और इसके बाद में कॉमा, इस तरीके से अगर इसका यूज करेंगे दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, जैसे एक क्लॉज यहां पर, ठीक है ना, एक क्लॉज हमने यहां लिख दिया और एक क्लॉज हमने यहां पर लिख दिया, क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस, और सेमीकोलन लगाया, हाउएवर लगाया और कॉमा लगा दिया, तो ये क्या बनेगा, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। मैं फिर से बता देता हूं, लेकिन अगर इसको हमने हाउएवर को सिर्फ कॉमा लगाया और हाउएवर लगाया और यहां पर एक क्लॉज और इससे पहले एक क्लॉज, तो फिर इस कंडीशन पे ये क्या बनेगा, इस कंडीशन पर ये बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। इस तरीके से ये चीजें आपको याद रखनी है, इसका यूज कैसे करना है ये आप लोग याद रखिएगा सही तरीका से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हमारा आता है तीसरा नंबर, जिसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कभी कभी ये दे दिया जाता है कि दिए हुए दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा हो कंपाउंड सेंटेंस, तो भी गलत हो जाएगा। तो हमें पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल रहे हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, जिसका सेंस, जिसका अर्थ अपने आप में कंप्लीट है, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके साथ में एक, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कैसा होता है, डिपेंडेंट, इसका मतलब है आश्रित, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर होता है, जब तक उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं जुड़ेगा उसके साथ में, तब तक उसका मतलब कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना है इन दोनों क्लॉजेस को, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट कंजक्शन की मदद से जोड़ दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल वाक्य, जटिल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और कम से कम एक आश्रित, अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आश्रित उपवाक्य पूर्ण वाक्य के रूप में अकेला खड़ा नहीं हो सकता, मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो अपने आप में अकेला नहीं रह सकता, उसका मतलब नहीं निकलेगा कुछ भी जब तक उसके साथ में मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर फ्री क्लॉज नहीं होगा। इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का उपयोग किया जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखना है तो। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की विशेषता क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो इस पर इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर आश्रित रहता है। और इसमें जो कंजक्शन यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जिसके माध्यम से इन्हें जोड़ दिया जाता है।
कुछ इंपोर्टेंट सबॉर्डिनेट कंजक्शन आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, जैसे बिकॉज, एल्दो, सिंस, वेन, वाइल, इफ, अनलेस, ये कुछ इंपोर्टेंट है। ज्यादातर आपके लेवल पर, आपके एग्जाम के लेवल पर यही कंजक्शन आपको याद करने हैं, बाकी तो बहुत सारे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अभी आप इतने ही लर्न कर लीजिए, आगे क्लास में और भी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब कुछ कॉमन सबॉर्डिनेट कंजक्शन और भी है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आफ्टर होता है, बिफोर आता है, सिंस आता है, वेन आता है और वाइल आता है, ये कुछ इंपोर्टेंट है। पॉज, एडवर्ब ऑफ पॉज और एडवर्ब ऑफ इफेक्ट के लिए बिकॉज आता है, क्योंकि, सिंस क्योंकि, एस जैसे कि, सो दैट जिससे के, एक कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास के लिए, एल्दो यानी कि यद्यपि, दो यद्यपि, वेयर एज, इवन दो, इवन दो ये कंप्लीट है, और कंडीशन के लिए इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, ये कुछ इंपोर्टेंट सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर कहीं सेंटेंस में भी दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जे कंजक्शन जहां लगे होंगे वहां पर वो सेंटेंस आपका कैसा होगा, वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, याद रखना है। कुछ एग्जांपल देख लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, जिससे आप लोग पहचान पाओ। जैसे सेंटेंस है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो इसमें बिकॉज लगा हुआ है, मतलब क्या है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये कैसा है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज है ये वाला, बिकॉज इट वॉज कैसा है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है ये, याद रखना है। और ये वाला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, कौन सा वाला, वी स्टे इंडोर्स, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इतना क्या है, सबॉर्डिनेट है, आश्रित है इसके ऊपर, वी स्टे इंडोर, ये वाला कैसा है, ये वाला मेन क्लॉज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। ऐसे ही आई विल कॉल यू, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। When I arrive, ये कैसा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये याद रखना है। Although she was tired, इसमें एक सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए ये वाला सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और ये कैसा है, इतना, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब मेन क्लॉज है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। और आज हमने सीख लिया क्या, सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, कंपाउंड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, और सिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस के माध्यम से हम कितने तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में हम क्या कराएंगे, अगली क्लास में कराएंगे हम सिंथेसिस, ठीक है ना। सिंथेसिस में पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो आज लास्ट में आप लोग ये समझ लीजिए कि अब आपको सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे मान लीजिए आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है, तो सिंपल सेंटेंस बनाना सीखने से पहले आपको जिन चीजों को सीखना जरूरी है, उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका पार्टिसिपल, क्या जाता है, पार्टिसिपल्स आ जाते हैं। पार्टिसिपल में आपके तीन पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरा इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेजेज आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाते हैं, जिनकी मदद से भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एक जीरंड आ जाता है, या हम एक चीज और बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन आ जाता है, और बाकी की चीजें जब क्लास लेंगे, क्लास में कराएंगे तो आपको और भी बताएंगे। दूसरी चीज ये है कि कंपाउंड सेंटेंस अगर बनाना है तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो सीखना है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, उसके लिए मैं आपकी क्लास लूंगा, इसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके चार तरीके के होते हैं, तो वो आपको सीखने हैं, उनके यूजेज सीखने हैं। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको क्या सीखना है, तब जाके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख पाओगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको नाउन क्लॉज सीखना है, ओके, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज सीखना है, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज सीखना है। एडवर्ब क्लॉज में जितने टाइप्स के एडवर्ब होते हैं ये सब चीजें सीखनी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको टेंस सीखने हैं। टेंस इज मस्ट, टेंस का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लास आपको जल्दी मिल जाए। ओके।